तो गाइस अभी जो आप लोग ये साउंड सुन रहे हो, ये साउंड गाइस मैंने इस स्मार्टफोन से एडिट किया हो, और ये जो आप लोग साउंड सुन रहे हो यू भी साउंड गाइस मैंने इसी एंड्रॉइड फोन से शूट किया हो, देन इसी से मैंने एडिट किया हो। और ये वाला जो आप लोग साउंड देख रहे हो गाइस इसी को मैंने गाइस फोन से भी एडिट किया हो, और ये जो आप लोग यहाँ पे वॉइस सुन रहे हो साउंड सुन रहे हो इसी को गाइस मैंने यहाँ पे फोन से ही एडिट किया हो, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। पीछे से आप लोग देख रहे हो मेरा एक पीसी है, लेकिन पीसी से मैंने एडिट नहीं करता हूँ, आज मैं आपको मोबाइल से सिखाऊंगा एंड मोबाइल से आप लोग कैसे अच्छा खासा एक वॉइस ओवर बन सकते हो या फिर वॉइस एडिट कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आपके पास अच्छा माइक होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रो यूट्यूबर बन सकते हो, प्रो आर्टिस्ट बन सकते हो, वॉइस आर्टिस्ट। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत है। अगर आपके पास ऐसा एक माइक है, 700-800 रुपए वाला माइक है, ये भी अगर नहीं है तो गाइस अगर आपके पास एक हेडफोन है तो उसी को यूज करके आप लोग तगड़ी यहाँ पे वॉइस एडिट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास हेडफोन भी नहीं है तो गाइस आप लोग अपने जो फोन होता है, ये फोन का जो माइक होता है, इसी को यूज करके आप लोग प्रो यहाँ पे वॉइस को एडिट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, मैं आपको लाइव प्रूफ सिखाऊंगा अगर आपको यहाँ पे सीखना है। अगर आप मोटिवेशन चैनल यहाँ पे बनाना चाहते हो या फिर जो भी चैनल वॉइस ओवर करना चाहते हो या फिर वॉइस को यहाँ पे क्रिस्पी क्लीन बनाना चाहते हो, तो गाइस ये वीडियो आप सभी लोगों को काफी हेल्प करेगा। तो चलो गाइस मैं भी आपको सिखाता हूं कैसे आप लोग ये वॉइस ओवर कर सकते हो, और एक टिप्स मैं आपको दूंगा गाइस, अगर आप सुबह सुबह उठ के वॉइस ओवर करोगे तो आपका वॉइस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गाइस वहां पे उस टाइम आप लोग क्या होता है, नींद से उठ के आप लोग अगर वीडियो बनाने जाओगे तो आपका साउंड वहां पे थोड़ा सा अलग लगेगा। तो आपको थोड़ा सा रनिंग करके उसके बाद ही आपको वॉइस ओवर करना है अगर आप यहाँ पे सुबह में करते हो। लेकिन अगर आप रात में करते हो तो भाई रात में गाइस पूरा सनसन रहता है, वाइस आप लोग आराम से वॉइस ओवर कर सकते हो। तो चलो गाइस मैं अभी आपको सिखाता हूँ इसी एंड्रॉइड फोन से रिकॉर्ड करके एडिट करके लाइव प्रूफ। गाइस अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, एंड इसी एप्लीकेशन को यूज करके बड़े बड़े क्रिएटर, बड़े बड़े भाई प्लेयर इसी एप्लीकेशन को यूज कर अपने वॉइस को गाइस क्लियर क्रिस्पी करता है। सो आपको क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इसको आप लोग डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, एंड डाउनलोड करके मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस तरीके से अपने वॉइस को आप लोग क्रिस्पी क्लीन कर सकते हो। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लूंगा। तो ऐप को ओपन करने के बाद देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से अलाउ अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग इसको अलाउ कर देना। तो अलाउ जब करोगे तो मेन जो आपको बात सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखना होगा वो गाइस आपका जो लेवल, तो इसी को आप लोग यहाँ पे हाई मत करना। अगर आप लोग इसी को हाई करोगे तो गाइस आपका आवाज गाइस फट जाएगा लाउड पे, तो आपको क्या करना होगा इसको यहाँ पे जीरो पे रखना, ठीक है, रिकॉर्ड वॉल्यूम का आप लोग जीरो पे रखना। एंड जीरो पे रखने के बाद गाइस अभी आपको रिकॉर्ड करना होगा या फिर इसको इंपोर्ट करना होगा अपने वॉइस को अपने रिकॉर्डर को। तो यहाँ पे अगर आपको लाइव प्रूफ रिकॉर्ड करना है तो आपको यहाँ पे देखो एक रेड कलर के ऑप्शन मिलेगा, या फिर अगर आपके पास कोई भी ऑलरेडी रिकॉर्ड फाइल है तो आप लोग उसको इंपोर्ट कैसे करोगे, तो ऊपर देखो ओपन के ऑप्शन, देन इसको ऊपर क्लिक करो। इसको ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऑलरेडी मेरे पास कोई भी यहाँ पे फाइल्स नहीं है रिकॉर्डिंग फाइल, तो मैं क्या करूँगा लाइव प्रूफ मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लाल वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना होगा, तो देन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। चलो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ऑलरेडी गाइस देखो मेरा वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस मैं अभी आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। मैं आपको क्लीन करने वाला हूँ आपका वॉइस को, अच्छा तरीके से एडिट करने वाला हूँ आपके वॉइस के, मतलब देखो गाइस मैं अभी आपको लाइव। तो गाइस देखो मैंने सामने उल्टा पुल्टा पार्ट बोल दिया, एंड गाइस इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको सिखाऊंगा क्लीन तरीके से कैसे ऑडियो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉइस एडिट कर सकते हो क्लीन तरीके से। तो चलो वॉइस ऑलरेडी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। तो बंद करने के बाद देखो मेरा जो वॉइस गाइस पहले से मैंने बहुत यहाँ पे पैक पैक किया, उसके बाद लास्ट से मेरा वॉइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इसको आप लोग किस तरीके से कट कर सकते हो, मान लो गाइस इसी वाला पार्ट मेरे को डिलीट करना होगा, तो ये वाला पार्ट मेरे अंदर तो मैं आपको कैच कैच करके दिखाया, मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर कट करना है तो आप लोग ये वाला यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ऊपर, इसको आप लोग हाथ से ड्रैग करके इधर लेकर आओ, देन पीछे वाला को आप लोग लेकर इधर लेकर आओ, ओके। तो लाने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसको पर क्लिक करो। इसको पर क्लिक करने के बाद देन देखो यार कट के ऑप्शन, तो कट जब करोगे तो गाइस आपका जो खराब पार्ट है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। एंड मेरे को अगर लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इधर जाएंगे, देन इधर थोड़ा सा इधर लेकर आएंगे, ओके, एंड ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट, देन यहाँ पे कट। सो मेरा पार्ट यहाँ पे कट हो चुका है, मेरा वॉइस यहाँ पे खराब जो पार्ट है वो यहाँ पे कट हो चुका है। एंड अभी आपको यहाँ पे इस वॉइस को कैसे आप लोग एडिट कर सकते हो, उससे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सबसे पहले लेकर आऊंगा, देन मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो मैंने सामने उल्टा पुल्टा पार्ट बोल दिया, एंड गाइस इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको सिखाऊंगा।
तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गाइस कहीं कहीं मेरा आवाज यहाँ पे लाउड हो रहा है, मतलब कितना आवाज हो रहा है। तो आप लोग इसको कैसे फिक्स कर सकते हो, मतलब आपका जो आवाज होगा वो हाई लेवल पे चलेगा, मतलब सेम लेवल 50 अगर आपका लेवल है तो 50 लेवल पे चलेगा, वही ग्राफ में चलेगा। अगर कहीं लेवल पे यहाँ पे हाई चला गया 70-80 चला गया तो भाई आप लोग उसी को ऑन करने के बाद एक ऑप्शन को एंड अपने जो वो हाई लेवल वाला वो सेम लेवल पे आ जाएगा, मतलब 50 लेवल पे आ जाएगा। तो कैसे कर सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, इधर आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 डॉट क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे इफेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, देन यहाँ पे क्लिक करो, देन आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप लोग इसको पर क्लिक करो। देखो इसको पर क्लिक करने के बाद मेरा ग्राफ गाइस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हाई हो गया, मतलब मेरा ग्राफ ठीक नहीं था। और ये ऑन करने के बाद सारे के सारे जो मेरा चीज है गाइस यहाँ पे सेम लेवल पे हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो गाइस देखो मैंने सामने उल्टा पुल्टा पार्ट बोल दिया, एंड गाइस इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको सिखा, सो यहाँ पे देखा कितना यहाँ पे इम्प्रूव हुआ मेरा वॉइस। एंड आप लोग इसको और भी एडिट कर सकते हो अच्छे तरीके से, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। देखो अगर आपका चैनल मोटिवेशन चैनल है तो आप लोग कैसे आप लोग इसको इको डाल सकते हो इस भाई वॉइस के अंदर, तो उसको डालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा, देन इफेक्ट के ऑप्शन, एंड देखो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा भाई। देखो बहुत सारा यहाँ पे तुमको पिच देखने को मिलेगा, उसके बाद देखो स्पीड, नॉइस रेडुएशन, कंप्रेशन, मतलब बहुत सारा ऑप्शन। देखो अगर आपका गाइस यहाँ पे आपका बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा नॉइज आता है, किच 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 घर का आवाज, तो गाइस आप लोग कैसे नॉइज को हटा सकते हो, तो उसी को सॉल्व करने के लिए गाइस ये एप्लीकेशन काफी बेस्ट है गाइस। मैंने अपने नॉइज को इसी एप्लीकेशन से हटाता हूँ, तो उसको करने के लिए देखो यहाँ पे नॉइज रेडुएशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करो, देन आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा ये फेवरेट है तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद देखो मेरा ग्राफ कितना यहाँ पे कम हो चुका है, मतलब मेरा नॉइज यहाँ पे हट चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो मैंने सामने उल्टा पुल्टा पार्ट बोल दिया, एंड गाइस इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको ऐसे तो गाइस मेरा आसपास कोई नॉइज अभी है नहीं क्योंकि अभी मैं घर में हूं, लेकिन गाइस अगर आप लोग इसको ऑन करोगे तो गाइस आपका नॉइज यहाँ पे हट जाएगा। तो नॉइज हटाने के बाद अभी आपको इको डालना होगा, तो इको कैसे डालोगे, इको डालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा, इफेक्ट, देन देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो इको, यहाँ पे देखो कंप्रेशर, उसके बाद देखो इको। तो अगर आपको यहाँ पे इको डालना है तो आप लोग इको पर क्लिक करो, देन इसको आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। सो मेरा देखो यहाँ पे मेरा इको हो चुका है, तो देखो मेरा वॉइस के अंदर इको हो चुका है। तो ऐसे करके आप लोग इको डाल सकते हो, अगर आपका चैनल मोटिवेशन चैनल है तो आप लोग डाल सकते हो। एंड गाइज अगर आप लोग इसको यहाँ पे अंडू करोगे, मतलब आपको इको का हटाना होगा, तो आप लोग देखो यहाँ पे अंडू देखने को मिलेगा, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो आपका इको यहाँ पे हट जाएगा। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इको वगैरह, तो मैं क्या करूंगा फिर से यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा, इफेक्ट, एंड बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। देखो यहाँ पे आपका जो फेवरेट जो गाइस हमारा जो आता है गाइस कंप्रेशर, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको यहाँ पे कम ज्यादा करके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। कंप्रेशर अगर यूज करोगे भाई अपना आवाज और भी क्रिस्पी और भी अच्छा हो जाएगा, जो कि मैं खुद इसको यूज करता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आपका कान फट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इफेक्ट पे जाओगे, बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, लेकिन सबसे जो मेन जो काम आता है गाइस नॉइस को रिड्यूस करना, मतलब नॉइस हटाना, उसके बाद कंप्रेशर, उसके बाद इको, एंड यहाँ पे देखो रिवर्ब। अगर आप लोग रिवर्ब करोगे तो गाइस यहाँ पे मोटिवेशन चलने के लिए ये लगता है, तो आप लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने आपको समझा दिया कैसे एक वॉइस को एडिट किया जाता है और मैंने कैसे करता हूँ और अपने फोन से कैसे किया जाता है, एक नॉर्मल माइक का आवाज को क्लीन कैसे किया जाता है। तो ये सब करने के बाद अगर आपको सेव करना है तो सेव कैसे करोगे, तो ऊपर देखो आपको यहाँ पे सेव की बटन, तो उससे पहले मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो देखो उतना भी खास मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किया है, जस्ट गाइस मैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको करना तो आपका आवाज गाइस काफी क्लीन होगा। तो मुझे यहाँ पे सेव करना होगा, तो सेव करने के लिए ऊपर सेव की ऑप्शंस, तो इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कौन सा फोल्डर में लगाओगे उसको करने के बाद देखो नीचे सेव की बटन, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस अपना वॉइस गाइस यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए गाइस मैं वीडियो मेक करता हूँ। अगर आपका हेल्प नहीं हुआ तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करो, अगर आपका हेल्प लगी तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर देना। सो गाइस मेरा चैनल अभी थोड़ा सा यहाँ पे रीच डाउन है गाइस, तो प्लीज ये थोड़ा सा सपोर्ट करो। अगर 2-4 व्यूज बढ़ जाए तो गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट हो सकूंगा यूट्यूब पे काम करने के लिए। तो कर देना मेरे, जान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।